हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेकैनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिगमेंट्स का कलेक्शन जिसको हम फोटोसिस्टम बोलते हैं उसको डिस्कस किया कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं लाइट को कैप्चर करने के लिए उसके बाद हमने डिस्कस किया था साइट ऑफ फ़ोटो सिंथेसिस के प्लांट्स जो हैं वो फोटो ट्रॉप्स हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज़ कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ़ोटो सिंथेसिस लेकिन ये प्रोसेस प्लांट के किस पार्ट में हो रहा है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेकैनिज्म ऑफ फ़ फ़ोटो सिंथेसिस कि ये जो प्रोसेस है फ़ोटो का ये होता कैसे है कितने स्टेप्स में ये कम्प्लीट होगा मेकेनिजम ऑफ फोटो सिंथेसिस एंड इट कम्पलीट्स इन टू टू स्टेप ये टू स्टेप में कम्प्लीट होता है फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होगा एक स्टेप है जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलेंगे एक स्टेप है जिसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे तो अगर हम थोड़ा रिकॉल करें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तो हमने यही पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और सन एंड क्लोरोफिल और फिर वो क्या हो रहा है अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है यही हमने डिस्कस किया था जो हम वो पढ़ते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उस सनलाइट का यूज़ फोटोसिंथेसिस की जिस स्टेप में होता है उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन क्योंकि यहाँ लाइट का यूज़ हो रहा है लाइट की रिक्वायरमेंट है लाइट डिपेंडेंट है ये और डार्क रिएक्शन वो स्टेप होगी जहाँ पर लाइट का यूज़ नहीं होगा चलेंगी दोनों साइमिलटेनियसली दोनों साथ साथ चल रही हैं एक चलेगी ग्रेना में जैसे हमने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे ग्रेना थाइलोकॉइड के जो स्टैक्स हैं और स्ट्रोमा के बारे में हमने डिस्कस किया था तो जो लाइट रिएक्शन है वो चलेगी ग्रेना में और उसी के साथ चलेगी स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क रिएक्शन हमने इस स्टेप को डार्क रिएक्शन इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट इनडिपेंडेंट है लेकिन जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो यूज होंगे डार्क रिएक्शन में बस इसको डार्क नाम सिर्फ इसी वजह से दिया है क्योंकि यहाँ पर लाइट का यूज़ नहीं हो रहा है डार्क का मतलब ये नहीं है कि वो रात में होगी और लाइट वाली दिन में होगी चलेंगी दोनों साथ में ही लेकिन लाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है लाइट की रिक्वायरमेंट जिस स्टेप में है उसको हमने बोला है लाइट रिएक्शन <coughs> तो फर्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन तो जो लाइट रिएक्शन है इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में वो कैसे वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एंड इट वॉज़ डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल सो ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर्ड किया इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है इसकी अगर हम साइट की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइट जो है वो है थाइलकॉइड ऑफ ग्रेना ग्रेना क्या है बंडल है स्टैक है थाइलोकॉइड का तो ये कहाँ पर होगा थाइलकॉइड में होगा लाइट इज रिक्वायर्ड लाइट की रिक्वायरमेंट है लाइट डिपेंडेंट फेज़ है फोटोसिंथेसिस का यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होगा ऑक्सीजन एसिमिलेटरी पावर एटीपी एन या हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट है एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस इसका फॉर्मेशन होगा तो ये आ, बेसिक इंट्रोडक्शन है लाइट रिएक्शन का और अगर हम इसकी स्टेप्स के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट होती है थ्री स्टेजेस में स्टेप्स फर्स्ट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है वो क्या है वाटर तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा और देखेंगे कि वाटर के ब्रेकडाउन से क्या मिल रहा है ठीक है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर दैट इज एनएडीपीएच फॉर्मेशन ऑफ एनएपी एच प्लस एच प्लस एंड थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी जिसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये होगा टू टाइप का दो तरीके से यहाँ पर ए का फॉर्मेशन होता है एक होता है साइक्लिक पाथवे और एक होगा नॉन साइक्लिक पाथवे तो ये हम मेन जो है वो यही डिस्कस करेंगे और इसके अंदर ये सारी जो हैं स्टेप्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी तो ये है लाइट रिएक्शन जो होती है थाइलकॉइड में लाइट की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट है ऑक्सीजन ए टी पी एन ए डी पी एच टू या अगर हम मोस्ट अप्रूव अच्छे आ, उसको सही तरीके से लिखें तो होगा एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस फोटो ऑफ़ वाटर फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर ये रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ ए टीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन और ये होगा टू टाइप का एक होगा साइक्लिक और एक होगा नॉन साइक्लिक तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको नॉन साइक्लिक ये जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको नॉन साइक्लिक क्यू कहा गया है और दूसरे वाले को साइक्लिक क्यू कहा गया है ये अभी जब हम पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि साइक्लिक क्यों कहते हैं और नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं फोटो सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइन मेम्ब्रेन में तो ये जितनी भी रिएक्शन है ये कहाँ पर चलती हैं थाइलाकॉइन मेम्ब्रेन पर तो फोटो सिस्टम हमने पढ़ा था ये जो प्रोसेस है इसमें दोनों फ़ोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे फर्स्ट थिंग ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें दोनों टाइप का जो है फ़ोटो सिस्टम वन एंड फ़ोटो सिस्टम टू दोनों इंक्लूडेड है तो ये है फ़ोटो सिस्टम टू जो एब्ज़ॉर्ब करता है सिक्स एटी नाइनोमीटर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल वो किस पर एब्सॉर्ब करेगा सिक्स एटी नाइनोमीटर पर और ये इसके आस इसके अराउंड क्या हैं एसेसरी पिगमेंट्स अदर पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए और एक हमने डिस्कस किया था फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम वन जिसमें जो रिएक्शन सेंटर है मेन वो एब्जॉर्ब करेगा सेवन हंड्रेड पर और इसके अराउंड क्या है अदर पिगमेंट्स और ये पूरा क्या है फोटो सिस्टम ये फोटो सिस्टम और टू यही हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर कि दो टाइप के फ़ोटो सिस्टम हैं दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं और दोनों काम करते हैं तो जो फोटो सिंथेसिस की यील्ड है वो क्या होती है हाई होती है और ये कॉन्सेप्ट किसने इस्टेब्लिश किया था इमरसन ने जिसको हमने बोला था इमरसन इन्हांसमेंट इफेक्ट या इमरसन इफेक्ट अब होगा क्या ये थाइलेक्वाइड पर प्रेजेंट है अब जब सनलाइट आएगी सन Sun है सनलाइट आई सनलाइट इस वाले फ़ोटो सिस्टम पर भी आएगी इस पर भी मतलब पूरे पार्ट पर ही आएगी लाइट तो होगा क्या सनलाइट जैसे ही सनलाइट फॉल होगी फोटो सिस्टम पर ये जो अदर पिगमेंट है अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करेगा और साथ में ये जो पिगमेंट्स हैं ये भी एबजॉर्ब करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे रिएक्शन सेंटर अब रिएक्शन सेंटर के पास इतनी एनर्जी है सफिशेंट एनर्जी है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कर सकता है स्टार्ट कर सकता है तो जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा यहाँ से क्या रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर निकल जाएंगे तो जैसे ही क्या होगा एनर्जी सफिशेंट अमाउंट की एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की तो यहां से क्या रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हुए जैसे ही ये रिलीज हुए इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इनको एक्सेप्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा इनको एक्सेप्ट कर लेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो फर्स्ट टाइम उसी ने इनको एक्सेप्ट किया इसीलिए उसको नाम दिया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेम यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रिलीज होंगे दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं ना एक कोऑर्डिनेटेड वे में तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ और यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया इसको एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन कैरियर है अब ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इनमें है एनर्जी हाई एनर्जी अब जब ये वापस अपनी लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे मतलब डाउन द ग्रेडियंट आएंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको क्या करेंगे ये रिलीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन कैरियर से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे जाएंगे प्लास्टो क्यूनॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए इसने इनको एक्सेप्ट किया उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये जब ये यहाँ से पास होंगे तो क्या होगा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन के पास वो क्या करेंगे रिलीज़ करेंगे और वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी ए टी पी ए डी पी है सेल के अंदर उसके साथ बॉन्ड बनेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा जब इनका एडिशन होगा तो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनाने में जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज़ करी है वो कहां यूज हो जाएगी इस बॉन्ड फॉर्मेशन में तो जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन्स ने वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गई ए के फॉर्म में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फिर ये पास होगा प्लास्टो साइनिन और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा पीएस वन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए पी वन के पास यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गए अब होगा क्या यहाँ पर जो पी एस टू है फोटो सिस्टम टू है अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और हो रहा है यहाँ इस सिस्टम से एसोसिएटेड एक और कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अब यहाँ क्या होगा अब देखो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना है इसको कंटिन्यूस रखना है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होनी चाहिए तो अगर यहाँ से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं तो वो कब तक रिलीज होंगे मतलब यहां पे कंटिन्यूस क्या होना चाहिए सप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की तो वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसे होगी यहां पर होगा वॉटर का ब्रेकडाउन और इससे रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज हुए हैं ये यह यहां सप्लाई हो जाएंगे फिर एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे फिर रिलीज हो जाएंगे फिर यहां से वापस आएंगे एब्जॉर्ब करेंगे रिलीज होंगे और वापस कहां चले जाएंगे पी एस वन पर अब यहां ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए हैं ये वापस अपने फोटो सिस्टम वन पर नहीं आएंगे इसका रीजन ये है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ गए तो अब इनके लिए जगह नहीं है यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे इनको एक्सेप्ट करने के लिए पहले से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेरेडोक्सिन अब ये क्या करेगा इनको एक्सेप्ट करेगा और यहां पर फेरेडॉक्सिन ये क्या करेगा एनएडीपी प्लस इलेक्ट्रॉन्स और इसका क्या करेगा ये रिडक्शन करेगा H प्लस और इसके रिडक्शन के लिए जो प्रोटोन जो यहां से रिलीज हुए हैं फोटोलिसिस ऑफ वॉटर से ये कहाँ चले जाएंगे इसके रिडक्शन में तो होगा क्या अब यहां पे क्या हुआ यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो अपने फोटो सिस्टम पर वापस नहीं आ पाए क्यों क्योंकि यहां पर क्या है जो वाटर के ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं वो यहां आ गए सेम यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो वापस अपने फोटो सिस्टम वन पर नहीं आ सकता उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डाउन ट ग्रेडियंट आ रहे हैं वो यहां पर आ गए तो हुआ क्या कि यहां से जो फोटो सिस्टम रिलीज हो रहे हैं फोटो सिस्टम से वो वापस नहीं आ रहे हैं फोटो सिस्टम में तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन साइक्लिक जो निकल गया वो रिलीज हो गया वो वापस फोटो सिस्टम में नहीं आया तो यहां क्या हुआ लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है फोटो ऑफ वाटर तो यहां पर ब्रेकडाउन हुआ वाटर का सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एन प्लस एच प्लस रिड्यूसिंग पावर है जो यूज़ होगी डार्क रिएक्शन में उसका फॉर्मेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी यहाँ हो गया इसको मैं आ, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं होगा क्या जब लाइट आएगी ये जो इलेक्ट पिगमेंट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कहाँ पास करेंगे उस एनर्जी को फोटो सिस्टम पर फोटो सिस्टम अब यहाँ पर सफिशेंट एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस इनिशिएट कर सकते हैं उस रिएक्शन को तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये थाइलाकोइन मेम्ब्रेन पे जैसे ही रिलीज़ होंगे तो यहाँ पर एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन कैरियर है, है वो क्या करेगा इसको एक्सेप्ट कर ले जिस कैरियर ने फर्स्ट टाइम उसको एक्सेप्ट किया तो उसको हमने बोल दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अब ये पास होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ पास होगा ये होगा प्लास्टोक्यूनॉन फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उसके बाद प्लास्टो प्लास्टोसाइन इन और वापस कहाँ चला जाएगा फोटो सिस्टम वन में तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब क्रॉस होगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्योंकि ये डाउन द हिल आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है ग्राउंड स्टेट पर लोअर एनर्जी लेवल पर तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको रिलीज करेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई किसके फॉर्म में ए <coughs> <coughs> के फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरे फोटो दोनों ही से ही क्या हो रहा है एक साथ फोटोसिंथेसिस एक साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं रिलीज़ हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किसके रिडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स और जो फोटोलिस ऑफ वाटर से जो प्रोटोन्स निकले हैं दोनों का यूज़ हो गया एन प्लस के रिडक्शन में ये रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हुआ इसका यूज़ होगा कहाँ पर डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना होगा तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फ्राइलेशन नॉन साइक्लिक क्यों बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकले हैं वो वापस फ़ोटो सिस्टम में नहीं आ रहे हैं लौटकर इसीलिए इनको बोला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अब जो ए का फॉर्मेशन है वो तो एक इस तरह से हो गया अब एक होगा साइक्लिक तो आ, दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि अब हम उसको साइक्लिक क्यों कह रहे हैं क्योंकि वहां पे जो फोटो सिस्टम रिलीज फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो वापस कहाँ आ जाएगा अपने फोटो सिस्टम में अब यहाँ पर सेकंड है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन यहाँ क्या होगा अब देखो यहाँ पर क्या है दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू से ही एसोसिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है अब साइक्लिक आ, जो फॉस्फोराइलेसन में इसमें इस सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा और वो है पी तो यहाँ पर क्या है ये पी एस वन है सेवन हंड्रेड नानोमीटर पर यह एब्जॉर्ब करता है जो रिएक्शन सेंटर है ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं सेम यहां पर भी क्या होगा ये स्ट्रोमा पर है यहाँ क्या होगा ये सन है लाइट आई एब्जॉर्ब किया अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया रिएक्शन सेंटर पे, यहाँ से क्या रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने pass हो पास होगा फैरिडॉक्सिन फिर कहाँ पास होगा प्लास्टो फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देन प्लास्टोसाइनिन और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पास हो जाएंगे फोटोसिस्टम सिस्टम वन में वापस से कहाँ हो गए फोटोसिस्टम सिस्टम वन में तो जो इलेक्ट्रॉन फ़ोटो सिस्टम वन से फ़ोटो सिस्टम वन से या जो इलेक्ट्रॉन फ़ोटो सिस्टम से बाहर निकला वो वापस से कहाँ आ गया अपने फ़ोटो सिस्टम पर आ गया तो अब यहाँ क्या होगा यहाँ पर दो जगह पर जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी एक यहाँ पर ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्या बन गया ए टी पी यहाँ पर एक यहाँ रिलीज़ होगी ए टी पी एडिनोसिन और यहाँ पर क्या बनेगा ए टी पी और जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसने अब अपनी एनर्जी सारी लूज कर दी है वो वापस कहाँ जाएगा अपने फोटो सिस्टम पर इसीलिए इसको क्या बोला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो इलेक्ट्रॉन अपने फोटो सिस्टम से बाहर रिलीज हो रहे हैं वो वापस कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने उसने क्या किया अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर दिया जित सारी एनर्जी को लूज़ कर दिया और वापस यहाँ आ गए एनर्जी को गेन करेंगे वापस रिलीज होंगे इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं फोटो सिस्टम से बाहर वो वापस नहीं आएंगे फ़ोटो सिस्टम पर तो इसलिए इसको हमने बोला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो ये था मेकनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है जहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है जो हम पढ़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो वह यही इसी स्टेप में होगा जहाँ पर लाइट रिएक्शन जो है जहाँ वो वाली फेज़ है जहाँ पर फोटोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा और जब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे क्या रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीजन इसका मतलब जब हम पढ़ते हैं कि विद द रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जो है एज अ पाइप प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है तो वो कहाँ से रिलीज़ होता है उसका सोर्स क्या है फोटो में वाटर तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है फोटो के में कि कहाँ से रिलीज़ होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज होगा जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा और वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज होगा ऑक्सीजन ये होता है लाइट रिएक्शन में उसके बाद फॉर्मेशन होता है रिड्यूसिंग पावर का वो फॉर्मेशन हो गया एन या एन प्लस एच प्लस इसका फॉर्मेशन हो गया ये रिड्यूसिंग पावर है इसका यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में जब डिडक्शन करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उसके बाद ए टी का फॉर्मेशन हुआ ए का फॉर्मेशन दो टाइप से होता है या दो पाथवे एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों हमने डिस्कस किया कि साइक्लिक में क्या होगा नॉन साइक्लिक में क्या होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन uh, इसलिए बोला है फॉस्फोराइलेशन एटीपी फॉर्मेशन लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोला है फोटोफॉस्फोराइलेशन तो ये uh, पूरा मैकेनिज्म है लाइट uh, रिएक्शन का और लाइट रिएक्शन में टोटल जो लाइट रिएक्शन है उसमें 18 एटीपी एक साइकिल uh, में अगर हम बात करें तो ए टी पी एटीन ए टी पी और ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू का फॉर्मेशन होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेकानिज़म ऑफ डार्क रिएक्शन के डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है हमें पता है ग्रेना में होगी लेकिन किस तरह से होगी वहाँ पे कौन कौन से इंजाइम यूज़ हो रहे हैं और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है थैंक यू